तो हमारा शैम्पू बनके तैयार हो चुका है और आपको इसको एक बोतल में भर के एक वीक तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो है फ्रेंड्स, आपके बाल भी बहुत गिर रहे हैं, बिल्कुल भी लंबे नहीं हो रहे हैं, बालों में बिल्कुल शाइन नहीं रह गई, बहुत हेयर फॉल हो रहा है। तो आप मेरे इस घर के बने शैम्पू का यूज़ कीजिए जो आपको बहुत ही दमदार रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिया है मेथी दाना, फ्लैक्स सीड, गुड़हल के पेड़ के पत्ते, चावल और रीठा, जो कि आप सभी जानते हैं। ये पांचों इंग्रेडिएंट्स बहुत ही आसानी से हमें मिल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है और ये आपके बालों पे एक मैजिक की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक तपेली, इसमें मैं 3 गिलास पानी ऐड करूँगी। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है और अब मैं इसमें डालूँगी रीठा, इसके बाद मैं डालूँगी हिबिकस लीव्स और जो सारे इंग्रेडिएंट्स बचे हुए उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, फ्लैक्स सीड, मेथी दाना और चावल। दोस्तों अब हमें इसको करीब 30 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से उबालना है, तेज गैस नहीं करना है। याद रखिएगा हमें इसे मीडियम फ्लेम पे रखना है और ये देखिए उबल चुका है और बीच बीच में हमें इसे चम्मच से हिलाते रहना है ताकि जो पत्तियाँ हैं वो ऊपर ना आए, पानी में अच्छे से डूबी रहे। ये जो शैम्पू है बहुत ही दमदार है, आप इसको एक वीक तक बना के अपने रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और एक वीक बाद आप वापस से नया बना सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, हमारा जो शैम्पू है बन के तैयार हो चुका है। चम्मच से हम बीच बीच में हिलाएंगे ताकि ये बाहर नहीं आए। इसके जो फ़ायदे हैं, आप इसको यूज़ करेंगे तब आपको अपने आप पता पड़ जाएगा और इसको बनाना बहुत ही आसान है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ठंडा हो चुका है और अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे हमारे शैम्पू को। तो ये देखिए इसका जो कलर है वो एकदम चेंज हो चुका है। बहुत से लोग बोलते हैं कि इससे जो सर में लगा हुआ ऑयल है वो साफ नहीं होगा, तो बिल्कुल होएगा दोस्तों, आप इसको एक बार यूज़ कीजिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे रीठा यूज़ किया है और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। बचे हुए को भी हमें कपड़े में डालकर अच्छे से निचोड़ लेंगे, इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो दमदार शैम्पू है वो बनके तैयार हो चुका है। आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है दोस्तों। मैं यहाँ पर 1 चम्मच जो हम शैम्पू यूज़ करते हैं वो डाल रही हूँ। ये भी आपके ऊपर है, आपकी इच्छा हो तो आप यूज़ करें और आपकी इच्छा हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप इसको यूज़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा शैम्पू कैसा लगा।